तो उसके भारत की ओर बढ़ने की एक वजह ये थी कि वो एक योगी से मिलना चाहता था और ये सीखना चाहता था कि वो अमर कैसे बने। फिर उन्होंने सिकंदर से कहा, हमें वो योगी मिल गए हैं पर वो आना नहीं चाहते। जीवन में एक बार उसने बुद्धिमानी का एक काम किया, इसी कारण से हमने उसका तीसरा नाम हटा दिया। देखिए सिकंदर, हमारी स्कूल के इतिहास की किताबों में कहा जाता है सिकंदर महान। उन्हें सिर्फ पहला और बीच का नाम पता है, उन्हें आखिरी नाम नहीं पता। उसका नाम था सिकंदर महान बेवकूफ, पर यह बहुत लंबा है तो किसी ने नाम का आखिरी हिस्सा हटा दिया। जैसे ही आप इस दुनिया में ऐसे आदमी को महान आदमी बना देते हैं तो कई तरीकों से आप मानवता का भविष्य नष्ट कर देते हैं, क्योंकि 16 साल की उम्र से ही, मेरे ख्याल से वो 32-33 की उम्र में मर गया था। उसने लोगों को बस मारा, वो मारता गया बेवजह। बस नई जगह जाकर लोगों को मारना, नई जगहों पर जाना और मारना और कहना कि मैंने इसे और उसे जीत लिया है। और उसने अपने साथ अपने देश के तमाम युवा इकट्ठा कर लिए थे जो उसके साथ लड़ाइयां लड़ते थे। थोड़े थोड़े दिनों के बाद वो अपने एक साथी को मार देता था, बस कोई आरोप लगाकर, क्योंकि हमेशा ऐसे तानाशाह को लोग धोखा देते हैं और उसे डर होता है कि कोई धोखा दे देगा। तो वो कोई बहाना खोज कर कहते उसने ऐसा किया था और उसे लोगों के सामने मार दिया जाता। वो उसका अपना करीबी आदमी होता था, वो उसके साथ चल रहा था, पर सिकंदर उसे मार देता था ताकि बाकी सब डरे रहें। थोड़े दिन गुजरते और वो एक एक करके अपने करीबी साथियों को मारता रहता, बस एक मिसाल कायम करने के लिए। वो ऐसा इंसान था, वो हर समय मौत बांटता रहता था पर खुद मरना नहीं चाहता था। वो चाहता था सब मर जाएं, पर खुद मरना नहीं चाहता था। तो उसके भारत की ओर बढ़ने की एक वजह यह थी, क्योंकि प्राचीन भारत और ग्रीस के बीच बहुत लेन देन होता था, ज्यामिति, गणित और योग का आदान प्रदान। डेल्फी में एक लिंग है जिसे पृथ्वी की नाभि माना जाता है, क्योंकि उसे मणिपूरक चक्र की तरह बनाया गया था। उसमें मणिपूरक को बहुत शक्तिशाली रूप से स्थापित किया गया था। अब उसे उसके मूल स्थान से हटाकर संग्रहालय में रख दिया गया है, पर फिर भी थोड़ा चटका हुआ है, मेरे ख्याल से काफी विकृत हो गया है, पर फिर भी बहुत शक्तिशाली है। मुझे ठीक ठीक नहीं मालूम, शायद 5000 या 5200 सालों बाद भी वो ऊर्जावान है। तो उन दिनों में ये लेन देन बहुत सालों तक चला था, तो जाहिर है कि उन्होंने भारत के रहस्यदर्शी योगियों के बारे में सुन रखा था। तो उसने सुना था कि ऐसे योगी हैं जो अमर हैं। तो उसके भारत पर चढ़ाई करने की एक वजह यह थी कि वो एक योगी से मिलना चाहता था और ये सीखना चाहता था कि वो अमर कैसे बने। तो जब वो पास पहुंचा, जब वो शायद हिंदू कुश पहाड़ों के पार पहुंचा, उसने पहाड़ों को पार किया, वो दूसरी तरफ पहुंचा और सबसे पहले उसने ये कहकर कुछ आदमी भेजे कि देखो वहां क्या चल रहा है और अगर कोई योगी या रहस्यदर्शी मिल जाए तो उसे यहां ले आओ। तो वो ढूंढने निकले और फिर उन्होंने देखा एक योगी पेड़ के नीचे बैठा था और उसने सिर्फ लंगोटी पहन रखी थी और वो परमानंद में था। उन्होंने जाकर उसे देखा और बोले, ए, तुम हमारे साथ चलो, हमारे सिकंदर ने बुलाया है। शायद आपको पता हो कि आज भी अफगानिस्तान में कई लोगों का नाम इस्कंदर या सिकंदर रखा जाता है। इसका असली शब्द या मूल शब्द है
स्कंद। स्कंद शिव के पुत्र हैं, जिन्हें हम तमिलनाडु में मुरुगा कहते हैं। Because Skanda was such a great warrior. स्कंद एक महान योद्धा थे, तो ये शब्द मशहूर हो गया। जो भी अच्छा योद्धा होता वो स्कंद या स्कंदर बन जाता। स्कंदर, स्कंदर, सिकंदर, इस शब्द में बदलाव आते गए। तो वो उनसे बोले, योगी चलो। योगी ने हंसकर कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। फिर उन्होंने तलवारें निकाल ली। वो हिंसा करने वाले लोग थे, वो सिर काटने से पहले सोचते नहीं थे। उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। एक दिन में सैकड़ों सिर काटकर भी उन्हें पछतावा नहीं होता था। तो बहुत आक्रामक लोग, उन्होंने तलवार निकालकर कहा, या तो तुम चलो या हम तुम्हारा सिर काट देंगे। योगी ने कहा, देखिए मैं यहां इस तरह इसलिए बैठा हूं क्योंकि जो भी मुझे करना था वो हो चुका है। आपको मेरा सिर चाहिए तो ले लीजिए, पर आपको मेरा ज्ञान या मेरी बुद्धिमत्ता नहीं मिलेगी। आपको मेरा सिर चाहिए तो ले लीजिए। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा। उन्होंने See, they had never seen a man who not terrorized by the swords that they pull out. उन्होंने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा था जो उनकी तलवारों से न डरा हो, क्योंकि वो सिर्फ डरा नहीं रहे थे, वो सिर काट भी सकते थे, यही उनका काम था। उन्होंने कभी ऐसा इंसान नहीं देखा जिसमें कोई डर ना हो। वो कह रहा है, ठीक है मेरा सिर काट दो। ओ, ये आदमी वाकई अमर होगा। अगर कोई कहता है ठीक है मेरा सिर काट दो तो वो अमर ही होगा। फिर उन्होंने उसे मनाने की कोशिश की, कृपया हमारे साथ चलिए। योगी ने कहा, नहीं, अगर उन्हें मिलना है तो वो आए, वो अमरता के बारे में जानना चाहते हैं तो वो आए। फिर सैनिक बोले, अरे इन्हें इस बारे में पता है तो हमें उन्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। और वो वापस चले गए। उन्होंने सिकंदर से कहा, हमें योगी मिल गए हैं पर वो आना नहीं चाहते, वो कहीं जाकर नहीं सिखाते, आपको वहां जाना होगा, वो स्कूल हैं। तो सिकंदर खुद वहां गया, घोड़े पर बैठे हुए। बहुत तन कर वो बोला, लगता है आप अमरता के बारे में जानते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं। योगी ने उसकी ओर देखकर कहा, पहले इस मूर्ख घोड़े से नीचे उतरो। आप ऐसे जानवर पर बैठते हैं जो आपसे कम बुद्धिमान है, और अचानक आप ऐसे तन जाते हैं। क्या आपने देखा है, जैसे ही लोग घोड़े पर बैठते हैं उन्हें लगता है कि वो एक बड़ी हस्ती हैं। अगर आप ऐसे जानवर की सवारी कर सकें जो आपसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है तब कोई बात है। आप एक मूक चार पैर वाले जानवर पर सवार हैं। वो बेचारा आपको ढोना नहीं चाहता, पर क्या करें। तो सिकंदर नीचे उतरा और उसने पूछा, मैं अमर होना चाहता हूं, क्योंकि वो अब उतना मजबूत नहीं रहा था जैसा 5-10 साल पहले था। शरीर कुछ समय बाद इस तरह की चोटें नहीं झेल पाता, धीरे धीरे ये थक जाता है। तो वो बोला, मैं अमरता के बारे में जानना चाहता हूं, क्या आप मार्गदर्शन करेंगे। योगी ने उसे देखा और समझ गए, इससे कुछ बोलकर भी कोई फायदा नहीं होगा। वो बोले, हां अगर तुम अमर होना चाहते हो तो रास्ता इधर से है। उन्होंने पूरा रास्ता समझा दिया, जंगलों से गुजरता हुआ एक कठिन रास्ता। मेरे बताए रास्ते पर जाओ, वहां तुम्हें एक छोटी गुफा मिलेगी। उस गुफा में एक साफ पानी का कुंड है, चुल्लू भर पानी पीकर तुम अमर हो जाओगे। तो वो अपने सैनिकों के साथ चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, 3 दिन बाद योगी द्वारा बताए रास्ते के सभी पड़ाव चिन्ह मिलते गए। फिर उसने देखा, उसके साथ 5-6 सिपाही थे।
अगर ये लोग भी पी लेंगे अगर वो अमर हो गए तब मैं उनसे कैसे निपटूंगा, क्योंकि जीवन भर उसने लोगों को मौत का डर दिखाकर हर चीज की। अब अगर ये 5-6 सैनिक पानी पी लेते हैं और वो भी अमर हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाएगी, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। धरती पर 5 लोगों का अमर होना अच्छा नहीं है, बस मैं अमर रहूं ये ठीक है। तो उसने कहा, तुम लोग यहीं रुको। यात्रा के अंतिम हिस्से में उन्हें पीछे छोड़कर वो अकेला आगे गया। फिर उसे वो गुफा मिली। गुफा के अंदर उसे एक साफ पानी का कुंड दिखा। वो अंदर जाकर पानी पीने ही वाला था। कुंड के दूसरे किनारे पर बैठे कौवे ने कहा, रुको। उसने कौवे को देखा। सौभाग्य से पानी हाथों से रिस जाता है। कौवा बोला, देखो मैंने ये पानी पिया था, पता नहीं कितने लाख साल हो गए, और अब मैं मर भी नहीं सकता। मैं बस यहां हमेशा के लिए बैठा हूं। कल्पना कीजिए, अगर आप अमर हो जाएं, तो आप आत्महत्या भी नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप बस कल्पना करें, आपके साथ सबसे बुरी चीज यही हो सकती है कि आप एक दिन मर भी नहीं सकते, कोई राहत नहीं। मैं लाखों सालों से यहां बैठा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपनी जाति की कई पीढ़ियां देखी हैं, मुझे अभी किसी चीज में रुचि नहीं है, पर मैं मर नहीं सकता। क्या तुम्हें मेरी जैसी किस्मत चाहिए? सिकंदर वहीं बैठकर पानी और कौवे को देखता रहा। उसने पहली बार बुद्धिमानी की एक चीज की, इसीलिए हमने उसका तीसरा नाम हटा दिया। वो पानी पिए बिना चला गया, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि वो अब धरती पर नहीं है, पर लग रहा है वो कई जगह फिर से पैदा हो रहा है। उस तरह के बहुत से लोग यहां वहां पैदा होते रहते हैं, पर कम से कम वो यहां नहीं है। हमें सीखना चाहिए और ये जानकर और समझकर जीवन जीना चाहिए कि कई मायनों में आपके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आप एक दिन मर जाएंगे। हेलो, कल्पना कीजिए कि अगर आप नहीं मरते तो आप कितनी बड़ी परेशानी बन जाएंगे। आपको जीवन पूरी तरह जीना चाहिए, जो भी आपकी सर्वोच्च क्षमता है आपको उसके मुताबिक जीना चाहिए, पर समय आने पर आपको जरूर मरना चाहिए, है ना? तो अगर आप मृत्यु को नकारात्मक मानते हैं तो सकारात्मक क्या है? अमरता? यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। सिकंदर जैसे बेवकूफ में भी वो पानी न पीने की बुद्धि थी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि योग अमरता के बारे में नहीं है, योग समझदारी से जीने के बारे में है।